वेलकम टू सैफीज फैमिली। आज मैं आपके साथ कश्मीरी चिकन मसाला बनाने की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसकी जो ग्रेवी होती है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और सिंपली इसको घर पर कैसे बनाते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg के करीब चिकन लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद मैंने इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन कर दिया है क्योंकि चिकन को हमें मैरिनेट करना है। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 1/2 tbsp सॉल्ट, 1/2 tbsp रेड चिली पाउडर, 1/2 tbsp कोरिएंडर पाउडर, 1/4 tsp टर्मरिक पाउडर, 1 tsp चाट मसाला, 1 tsp रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1/2 tsp ब्लैक पेपर पाउडर, 1 tsp गरम मसाला। तो चिकन के ऊपर मैंने जितने भी मसाले लिए थे वो सारे डाल दिए हैं और इसको हमें अच्छे तरीके से चिकन के साथ लगा लेना है। और इसमें मैंने 1/2 tbsp के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब इन सभी चीज़ों के साथ हमें चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है क्योंकि चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट करने से जो जो बनाते हैं हम चिकन का कोई भी आइटम तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है चिकन को बनाने का, तो इसको हमें अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देना है और एक एक पीस के ऊपर हमें ये जो मसाला है उसको कोट कर देना है और इसको हमें 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कम टाइम के लिए भी मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी कवर कर, ताकि इसमें जो जितने भी मसाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको एक साइड रख देते हैं। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, 200 ml के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करा था तो उसको एक एक पीस इसको उसका इसके अंदर डाल देंगे और गैस की जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हमें चिकन के पीसेस को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो बस एक तरफ से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, अब इसकी जो साइड्स हैं उसको चेंज कर देंगे और सेम प्रोसेस से हमें इसकी दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। और ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला चिकन जो है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है अच्छी तरीके से। अब बाकी का जो चिकन है वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। बहुत अभी इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। तो बस चिकन जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और इसको अब निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको निकाल लिया है, अब इसको रख देते हैं एक तरफ। अब मैंने इस एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने 3 प्याज को बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था और उसको फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें प्याज को फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो धीरे धीरे जो है प्याज का कलर चेंज होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। तो यहाँ मैंने 1/2 tbsp जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, वो डाल दिया है और इसको प्याज के साथ अच्छे तरीके से हमें भून लेना है ताकि इसकी जो रॉय स्मेल है वो चली जाए। अब यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और नमक लिया है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो भी डाल दिया है। और 1/2 कप के करीब मैं यहाँ दही ऐड कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इनको तब तक भूनना है जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। और मसालों की जो क्वांटिटी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने 10 से 12 किशमिश ली है, 10 से 12 काजू लिए हैं और इन थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो टेक्स्चर है वो कितना अच्छा आया है। अब 1 कप के करीब मैंने यहाँ दूध डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें चला लेना है ताकि दूध जो है वो फटे ना। तो बस इसको कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। बहुत रिच बनता है ये, बहुत क्रीमी बनता है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो टेक्स्चर है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो बस मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब जो हमने चिकन फ्राई कर रखा था वो भी मैंने यहाँ डाल दिया है और चिकन हमारा 70-80% फ्राई करते हुए
टेंडर हो गया था, तो इसलिए इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चिकन के पीसेस को ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन ग्रेवी का जो एक कोटिंग है वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसको अब ढककर हम पका लेंगे 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। अब मैंने यहाँ फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है कट कर कर। तो बस कश्मीरी चिकन मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable.